हम लोग धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र या धारा अभिव्यव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सीखते हैं। तो इसमें बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात किया जाता है। बायो सावर्ट का नियम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्टेट के प्रयोग में ये मालूम हुआ था कि जब किसी चालक तार में धारा बहती तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु कितना उत्पन्न होता है ये ऑस्टेट ने नहीं बताया था। तो उसको उसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट ने एक नियम बनाया जिसको बायो सावर्ट का नियम कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो ये माना है कोई धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I है, तो इसके इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ पर तो बायो सावर्ट के अनुसार धारावाही चालक तार के लघु अवयव DL के कारण, ये लघु अवयव ये लेंथ DL कहलाती है, लघु अवयव DL के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट, चालक में प्रवाहित धारा I व लघु अवयव की लंबाई DL दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी I के भी अनुक्रमानुपाती और DL के अनुक्रमानुपाती, यानी इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं अर्थात वैद्युत धारा अवयव IDL को कहते हैं वैद्युत धारा अवयव, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये DL मल्टीप्लाई कर देने पर ये सदिश राशि बन जाती, तो धारा अवयव IDL के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से DB प्रोपोर्शनल I व DB प्रोपोर्शनल DL कह लीजिए, या DB प्रोपोर्शनल I वेक्टर DL कह लीजिए, DL केवल कह लीजिए परिमाण के लिए। अब दूसरा पॉइंट, लघु अवयव से, इस लघु अवयव से बिंदु P की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो DB प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है वो लघु अवयव की लंबाई तथा अवयव को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये जो लघु अवयव की लंबाई और लघु अवयव से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण ये थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह आ जाएगा DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब सभी को एक साथ लिखने पर या सभी को मिलाने पर DB प्रोपोर्शनल आ जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r² आ जाएगा। ये इसी को बायो सावर्ट नियम कहा जाता है। तो यह है बायो सावर्ट नियम। अब यदि चालक वायु या निर्वात में होता है तो DB बराबर लिखा जाता है μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r², जहां पर μ0/4π वायु या निर्वात के लिए अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। ये यहां पर जो μ0 इस्तेमाल किया गया है उसको निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहा जाता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। और जो μ0/4π का मान होता है वो 10^-7 या μ0=4π × 10^-7 तो मात्रक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी होता है। तो इसका मात्रक आगे समझेंगे, अभी तो μ0/4π की जगह 10^-7 या μ0 अगर लिखोगे तो 4π यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4π × 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि होती है, तो इसकी भी दिशा होनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र DB की दिशा धारा अवयव IDL और वेक्टर R के तल के लंबवत होती है। तो ये वेक्टर IDL हो गया और ये वेक्टर R हो गया, इन दोनों के तल के लंबवत। तो ये अगर दोनों कागज तल पर हैं तो इनके लंबवत डायरेक्शन या तो नीचे की ओर होगी ऐसे, और या फिर ऊपर की ओर होगी ऐसे, ऊपर की ओर हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर या तो नीचे की ओर होगी या ऊपर की ओर होगी। तो इसका डिसीजन इस प्रकार किया जाता है, हम लोग यहां पर तब हम इसको साइड में इस तरह से लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में तब लिखा जाएगा इसको सदिश रूप में, तब चुंबकीय क्षेत्र को सदिश रूप में लिखा जाएगा वेक्टर DB बराबर μ0/4π I वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर r/r³ ये लिखा जाता है। तो DL वेक्टर R क्रॉस अगर करेंगे तो आ जाएगा IDL R साइन थीटा आएगा, तो R यहां पर इस वाले क्यूब में से एक से कट जाएगा तो यही आ जाएगा, यानी ऊपर जो लिखा है IDL साइन थीटा इसमें R का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा IDL क्रॉस वेक्टर R। तो इस प्रकार ये वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट नियम कहा जाता है। तो यहां पर और IDL जो है ये धारा अवयव है। अब यहां पर DB की दिशा किधर को निर्धारित होगी, नीचे की ओर होगी या ऊपर की ओर, इसको समझने के लिए ये याद रखना कि यहां पर जो है DL से वेक्टर R की तरफ चलेंगे, तो यहां पर धारा अवयव ये है इससे वेक्टर R की तरफ यानी इस तरफ चलेंगे।
तो हमें दाहिनी ओर आना पड़ रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज आना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। तो अगर हम डीएल डायरेक्शन से आर की डायरेक्शन, आर के पास चलने के लिए दाहिनी ओर चले, दाहिनी ओर चले यानी धारा वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चले, दक्षिणावर्त चले, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है इस ओर बिंदु पी पर वो नीचे की ओर होती है। और अगर हम बिंदु पी डैश यहां पर ले लें और यहां से हम आर की तरफ चलें, वेक्टर आर की तरफ, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़े तो यहां पर डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का नीचे की ऊपर की ओर होगा, सॉरी। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होती है, और क्लॉकवाइज अगर हमें मूव करना पड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होती है। तो इस प्रकार डिसाइड हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम आगे बताएंगे। तो यहां पर यह आ जाता है वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग म्यू नॉट का मात्रक व बीमा पढ़ लेते हैं। तो डीबी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर डीबी का मात्रक अगर टेस्ला लिया जाए या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिया जाए या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिया जाए, ये बी के मात्रक है सब। तो म्यू नॉट का मात्रक बनेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। तो इस प्रकार म्यू नॉट के तीन मान, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट की बीमा हो जाएगी एमएलटी माइनस टू ए माइनस टू, इससे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से, न्यूटन की होती है एमएलटी माइनस टू पर एम्पियर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक विशेष संबंध होता है, इसको भी समझते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट का मान हो गया 4π × 10⁻⁷, और केवल एप्सिलॉन नॉट का मान लिखा जाए तो 1/4π 9×10⁹, क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर था 9×10⁹, तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम 4π कट गया तो ये आ गया 1/9×10⁻¹। अब म्यू नॉट का अगर मात्रक लिखें न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और अगर एप्सिलॉन नॉट का लिखें तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, कूलाम की जगह लिख दिया जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर बचेगा, मीटर स्क्वायर नीचे, तो 9×10⁻¹ सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये बन गया, ये जो ब्रैकेट में लिखा है सी वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 1/c². तो ये एक रिलेशन होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c². तो ये रिलेशन याद रखना है इसमें।